आज मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर अपना घर बनाना चाह रहे हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज विकास टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं, टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आपको रियल स्टेट के हवाले से डेली बेसिस पे आपको अपडेट किया जाता है। आज मैं आपसे बात करूंगा अल करीम सिटी के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये मेन रायवन रोड पे लोकेटेड है, नियर टू बैरी ऑर्चर्ड। अल कबीर का जो फेस है किंग्स टाउन, उसके बिल्कुल ये साथ है। थोड़ा सा अगर मैं इसकी प्रीवियस हिस्ट्री की आपसे बात करूँ, अशरफी टाउन के नाम से बेसिकली पहले एक टाउन था जो कि अब अल करीम सिटी में मर्ज हो गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें कैटेगरी की, कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं और रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करूँ तो 3 मरला और 5 मरला की कैटेगरी अवेलेबल है। तो आप इस सोसाइटी में मिनिमम बजट में रहते हुए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में यहाँ पे आप अपना घर भी बना सकते हैं। प्रीवियस अगर मैं ब्लॉक की बात करूँ, अबू बकर के नाम से सोसाइटी ने ब्लॉक लॉन्च किया था जो कि अब वहाँ पे हर चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं। और प्रीवियस अगर मैं ब्लॉक की बात करूँ, अबू बकर के नाम से सोसाइटी ने एक ब्लॉक लॉन्च किया था जो कि अब उस पर ऑन चल रहा है। अभी अगर मैं फ्रेश बुकिंग की बात करूँ, उमर ब्लॉक के नाम से सोसाइटी ने एक ब्लॉक लॉन्च किया है, नई बुकिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें 3 मरला और 5 मरला की कैटेगरी अवेलेबल है। इसमें आप अगर तो 3 मरला में बाइंग करना चाह रहे हैं 3,75,000 से आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, और अगर आप 5 मरला कैटेगरी में बुकिंग करवाना चाह रहे हो तो 4,75,000 से आप बुकिंग कर सकते हैं। सोसाइटी ने बेसिकली 3 साल का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान दिया है। तो आप इस सोसाइटी में कम से कम बजट में रहते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करके अपना घर भी बना सकते हैं। बाकी मजीद बुकिंग के हवाले से या सोसाइटी की किसी भी किस्म की डिटेल इन्फॉर्मेशन या वेरिफिकेशन के हवाले से आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।